शुरुआत करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में बने प्रदेश के पहले केवल स्ट्रैंड ब्रिज का विधिवत रूप से उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित कर दिया। इस पुल का निर्माण 25 करोड़ की लागत से किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने इससे पहले पंडोह के पास बाखली में बने वन विभाग के नेचर पार्क का भी विधिवत रूप से शुभारंभ कर इसे जनता को समर्पित किया। नेचर पार्क में लोगों के घूमने और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। केवल स्टेयर ब्रिज पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जब वे विधायक थे तो उस वक्त उन्होंने विधायक प्राथमिकता में इस पुल को शामिल किया था। हालांकि इसका निर्माण होना असंभव था, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्होंने इसे प्राथमिकता दी। अब यह पुल द्रंग और सराज क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा और सराज क्षेत्र की 15 दुर्गम पंचायतों की रूपरेखा इस पुल से बदल जाएगी। आज मैं इस पुल का जब उद्घाटन करने के बाद यहाँ इस कोने में पहुंचा हूँ, इस पुल के आपके बीच में है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये पुल 25 करोड़ की लागत से बन कर चुका है। अगर साधारण विधायक होता तो ये पुल के बारे में सोचता आदमी, लेकिन लगाने की संभावना बिल्कुल नहीं हो पाती, हो ही नहीं सकती थी। और सराज विधानसभा क्षेत्र में मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है, यहां सारे साथी बैठे हैं, कि मेरी शीर्ष प्राथमिकता सराज विधानसभा क्षेत्र में एक ही रही कि मैं किस तरह से लोगों का पीठ उतार करके फेंकूं, लोगों के पीठ को कैसे उतारूं। काम हो जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन सबसे जरूरी यही था कि लोगों के पीठ का बोझ उतारना था। और इसलिए बहुत जरूरी था ये, इसके लिए पूरा नक्शा बना करके आगे बढ़ने के लिए जब हमने सोचा, तो मैं भी इस बात को लेकर के चिंतित हो गया। जब सड़कें बढ़ाने की बात लगी तो मुझे लगा कि कुल मिलाकर के यहाँ पर सड़कें बनाने में 50 साल और लगेंगे, तब जाकर के ये घोड़ा नाल की घाटी जाकर के दूसरी घाटी के साथ जुड़ पाई। लेकिन मैंने हमेशा इस बात के लिए कोशिश की कि सड़कें ज्यादा से ज्यादा बने। डीसी के पास जाता था तो सड़क मांगता था, सीएम के पास जाता था तो सड़क मांगता था, प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाता था तो सड़क मांगता था, हर जगह एक ही बात को लेकर के सड़क की मांग करता था। और जब मैंने इस बात को देखा कि इस इलाके में बहुत कठिनाई है, सड़क पहुंचाने में वक्त लगेगा, तो क्या किया जाए, मैंने कहा और कुछ ना हो सकता, कम से कम लोगों का पीठ का बोझ कम से कम उतारने में कुछ तरीका निकाला जाए। तो यहां हमने एक नहीं, कितने 3-4 यहां पर रोप वे इन पंचायतों के लिए स्वीकृत किए,